नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, हम कनिष्क सहाय के साथ साक्षात्कार में लगातार इसकी सीरीज चला रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है, उसी के क्वेश्चन सही है। तो इसमें हम पार्ट 9 लेकर आए हैं। इसके पहले तक हमने पार्ट 8 आपको दे चुके हैं। देखिए, हमारे पार्ट 8 अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे वनडे एग्जाम क्लासेस को, और बेल आइकन को बगल में जो घंटी बजी होगी ना उसको दबा दीजिएगा, और जो चैनल में सब्सक्राइब लाल रंग की बटन होगी उसको दबाना है। फिर आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट में आपको देखेंगे तो हमने जितने वीडियो हैं 7 से लेकर 8 वीडियो सभी वहाँ पर डाल रखे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो, तो इसीलिए उसमें लगातार हमें भी पार्ट 9 भी उसमें डाल देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको सभी पार्ट उसमें मिल जाएंगे। आप इन सभी पार्टों को देख लीजिए अच्छे से। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम हर पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन लाते हैं। जो रिपीट होते हैं उनको बार बार लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर एक बार देख चुके हैं वही क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए हम नए नए क्वेश्चन ला रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि सभी पार्ट देखिए, और ख़ासकर पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कनिष्क सहाय के कार्य बताए हैं, कनिष्क सहायक आप क्यों बनना चाहते हैं, और आपके जिले से संबंधित आपके जो भी मतलब आप पहले बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा आप। चलिए, हम बात करते हैं आज। आज देखिए, हम थोड़े से केमिस्ट्री क्वेश्चंस लाए हैं। काफ़ी दिनों से केमिस्ट्री क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर रहा था, सोच रहा था कि वीडियो में दे दूंगा, तो इसमें सभी क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले हम केमिस्ट्री क्वेश्चन बात करेंगे, फिर संविधान के भी हैं और भौतिक विज्ञान के भी हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, केमिस्ट्री क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना, अगर आप भौतिक विज्ञान से बताएंगे, जैसे फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स से बताएंगे कि हमने ग्रेजुएशन फिजिक्स किया है, लेकिन आप फिजिक्स से बताएंगे तो तब भी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपसे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा बहुत लड़के बता रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन में फिजिक्स बता रहे हैं, लेकिन हमसे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है कि आप ग्रेजुएशन किससे किए हैं, तो आपसे इससे ही पूछा जाएगा। आपसे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप हिस्ट्री नहीं भी पढ़े होंगे तो आप भी तब भी आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल से आप तैयार रहिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी क्वेश्चन तैयार करिए। तो देखिए, हम पहले फार्मूले का, ये जितने फार्मूले पूछे गए हैं हमने सभी को लिया है, तो आपको ये जितने फार्मूले हैं इनको तो बिल्कुल से रट डालिए। ब्लीचिंग पाउडर बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, कैल्शियम CaOCl2 है आपका। फिटकरी के देखिए, फिटकरी में आप 24 अणु जरूर बताइएगा पानी के, जो 24 H2O होते हैं, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 H2O, ये पानी के अणु जरूर बताइएगा, जो वो सुनना चाहते हैं उनको बताइएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल बार बार पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है बार बार पूछे जा रहे हैं, H2SO4 और भारी जल D2O, ये बार बार पूछा जा रहा है। नमक को तो बहुत ही बार पूछा गया है, NaCl, अमोनिया, तो ये सब आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बहुत सरल सरल से हैं, तो वही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। देखिए, सबसे हल्की धातु पूछी गई थी, तो ये लिथियम है सबसे हल्की धातु, और दूसरे बंदे से उसी दिन पूछा गया सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम है, OS कहते हैं इसको। तो लिथियम और ओस्मियम आप याद कर लीजिए, आप वहाँ पर हाइड्रोजन मत बताइएगा सबसे हल्की धातु, लिथियम बताइएगा। तो ओस्मियम उसी दिन कैंडिडेट से पूछा गया, दूसरे कैंडिडेट से, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए इनको बिल्कुल से। देखिए, एक नया क्वेश्चन आया था, इन्होंने एक कॉपी थी उनके पास में, उसने लिखा NaCl, लिख कर पूछा था, बेसिकली ऐसे नहीं पूछा था, लिख के पूछा था NaCl, H2S, H2SO4, इसमें से कौन क्या है, मतलब उसे पूछना चाह रहे थे कि इसमें से ठोस कौन सा है, द्रव्य कौन सा है, गैस कौन सा है, ये पूछना चाह रहे थे वो। तो इसके लिए बिल्कुल से देखिए, आप NaCl आप जानते हैं नमक है, वो ठोस अवस्था में होता है, और H2S आपकी गैस होती है, जो कि आपकी गैस अवस्था में होती है, H2SO4 आपका द्रव है, तो ये वो पूछना चाह रहे थे। तो कैंडिडेट से एक गलती हो गई थी, उसने H2S को ठोस बता दिया था, जबकि अगर वो समझ जाता कि एक ठोस लिया गया, एक द्रव लिया गया, एक गैस पूछा गया, तो समझ जाता, लेकिन उससे गलती हो गई, तो उसने उसको एक्सेप्ट किया है। देखिए, पानीपत के जो युद्ध हुए हैं वो पूछे गए हैं, दो युद्ध पूछे गए हैं, अभी तक तीसरा युद्ध नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने इसमें तीसरा युद्ध लिख दिया है, क्योंकि ये पूछा गया था कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, तो उसका आंसर आपका 3 होगा, 2 मत बताइएगा वहाँ पर, क्योंकि 2 ज़्यादातर आप लोगों को याद होते हैं, तीसरा जरूर याद कर लीजिएगा। पानीपत के 3 लड़ाइयाँ हुई थी, पहली हुई थी आपकी 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुई थी, दूसरी आपकी हुई थी 1556 को, अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। देखिए, पहले युद्ध में ये भी देख लीजिए, बाबर जीते थे, लोधी वंश का अंत हुआ था, लोधी वंश के अंतिम शासक थे, तो बाबर का शासन चालू होता है 1526 में। दूसरे में देख लीजिए, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था,
तो यहाँ पर अकबर गया जरूर था, लेकिन बैरम खां उसके संरक्षक में था। तो युद्ध हेमू और बैरम खां का हुआ था, बाद में हेमू की हत्या कर दी गई थी, तो इसमें अकबर की विजय हुई थी। तो विजय भी देख लीजिए, विजय भी आपसे पूछा जा सकता है। और पानीपत की तृतीय युद्ध की अभी तो पूछा नहीं गया है, कोई कैंडिडेट अभी बताया कैंडिडेट बताए नहीं अभी, लेकिन आप इसको तैयार रखिए। 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, इसमें मराठों की हार हुई थी। तो आप इसको बिल्कुल तैयार रखिए, दो तो आप बिल्कुल तैयार रखिए, और तीसरा हो सके तो तैयार कर लीजिएगा। देखिए कनिष्क शाह के कार्य, ये आपसे बार बार पूछा जा रहा क्वेश्चन, मैं इसको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छे से बताया हूँ, तो आप उसको जाकर देख लीजिए पहला वीडियो। और बार बार उसी क्वेश्चन को मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा, और जो लोग जानते हैं उनको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा सुनने में, तो आप इसको पहले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व तो क्या हैं, ये क्वेश्चन आया है, तो इसमें लगातार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं राज्य के निदेशक तत्व से। इसमें क्वेश्चन ये भी बन चुका है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो को न्यायालय में क्या चुनौती दी जा सकती है, ये क्वेश्चन बना है। तो अलग अलग तरह से पुणे के नीति निदेशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, और इसको आप उसमें क्या कहते हैं न्यायालय में नहीं जा सकते इसको लेकर के। ये कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य को निर्देश देता है, तो आप समझ जाइए कि ये निर्देश देता है कि आप अगर राज्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसका पालन करिए, लेकिन अगर कोई राज्य इसका पालन नहीं करता है तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि सर ये का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें निर्देश दिया गया है, सिर्फ निर्देश कहा गया है, इसको लागू करना ये राज्य के ऊपर है। तो बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए, अपने नीति निरीक्षक तत्व मूल कर्तव्य और मूल अधिकार जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, इसको बिल्कुल से तैयार कर लीजिए, तीनों बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए व्हाइट हाउस कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो व्हाइट हाउस अब बता दें कि अमेरिका में है, ये राष्ट्रपति का निवास स्थल है बेसिकली, तो इसको आपको जानना बनता ही है। और पूछा गया था कि आरावली कहाँ पर है, तो आप ये बता दीजिएगा, आरावली पहले तो ये बताइए कि भारत में है, फिर ये आपसे पूछे कि भारत में कहाँ पर है, तो राजस्थान है, उसको बताइएगा। तो ये देखिए आपको भारत का नक्शा बिल्कुल से आप देख लीजिए, और कौन सी चीज़ कौन सा मंदिर कहाँ पर है, कौन सा क्या कहाँ पर है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो जितने आपको जितना ज़्यादा हो सके जीएस पर ध्यान दीजिए, लूसेंट पढ़िए, लूसेंट से आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो, और मेरी प्रयास यही है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। देखिए मैं लगातार इसकी वीडियो डालता रहूँगा जब तक आपका इंटरव्यू नहीं समाप्त हो जाता, और उम्मीद है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रयास हम भी कर रहे हैं, आप भी अपना प्रयास करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर इसको शेयर कर सकते हैं आप तो शेयर करिए, और अगर आप